बहुत बढ़िया तैयारी हुई है जी। हमने थोड़ा लेट चालू किया था, लेकिन हम जिस तरह से पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं, एक एक ग्राम पंचायत कवर करी है हमने, सुबह शाम दिन रात सिटी में सारे वार्ड कवर करे हैं, जो बच गए उनसे भी मिलने जा रहे हैं। और जो मैसेज हम पब्लिक को दे रहे हैं कि सिर्फ दो ही चीज़ को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं, कैसे युवा को रोजगार मिले, यहाँ और औद्योगिकरण हो और पानी की समस्या हल हो। मेरे राहुल गांधी जी का दौरा है, हाँ जी, पूरी तैयारियां जोर शोर से, पूरी पार्टी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको आज टीवी पर, पूरी पार्टी अजमेर में कांग्रेस पार्टी, चाहे जो निर्दलीय लड़े हो या आज कांग्रेस के जो पुराने लीडर हो, नए लीडर हो, सारी पार्टी आज एक होके खड़ी है। राहुल गांधी की जी की रैली है, आप देखेंगे उस दिन 25 को बहुत एक गजब हमारी भीड़ होने वाली है। और ये वैसी भीड़ नहीं है जो कि हम बस सुनाने के लिए ले जाएं, जो सुनने के लिए जा रहे हैं, अजमेर की जनता जो वहाँ जाएगी, आप देखेंगे ये रैली बहुत बड़ी एक होने वाली है। विशाल, पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी जी अजमेर दौरा करेंगे तो उनके वोटों में बढ़ोतरी होगी। किनके? कांग्रेस के? वो तो कहेंगे ही है, उनको और कहने का है ही नहीं। उन्हें कहिए मुद्दे की बात करें, मैं जब से कह रहा हूँ कि मुद्दे क्या है अजमेर के, अजमेर के विकास की बात करें, अजमेर की प्रगति की बात करें। मैं आज भी आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, जो मेरे अगेंस्ट खड़े हैं भागीरथ चौधरी जी, वो आए मेरे साथ मिलकर बात करें, हम साथ में मिलकर अजमेर के प्रगति की बात करें। लेकिन उनको सिर्फ भ्रमित करने की बातें सामने करे जा रहे हैं, अजमेर की प्रगति की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। इधर दो दिन पहले आपके 400 रुपए लेकर प्रति व्यक्ति बुलाने का आरोप लगाया, उसमें आपकी पुलिस की जमानत में अरेस्ट करवाया था आपकी पार्टी द्वारा, तो बीजेपी का आरोप है कि हमारे द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी है, ये सारी पार्टी का ही है। अब बस देखिए, मैंने इससे पहले जो आपको जवाब दिया, ये भी जवाब वही होगा, जब कोई मुद्दे नहीं हो तो ऐसे मुद्दे सामने ला ला कर हमारे ऊपर ये आरोप डाल के ये सब बातें पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए करा जाता है। इसका कोई उपाय नहीं है, ये अभी तो हुआ है, अगले 5 दिन भी ये यही करेंगे, लेकिन पब्लिक सब कुछ समझ चुकी है और पब्लिक हमारे साथ है। क्या अजमेर में जीत के बाद भी आप इसी तरह विकास करते रहेंगे? बिल्कुल, काम तो तभी चालू होगा जी, मैं तो अजमेर अभी आया हूँ, हमने तो बात करी अभी विकास की, विकास तो होगा जब हम यहाँ से जीत के जाएंगे, जब यहाँ पे अपना पूरा एक सक्रिय होके दिन रात सुबह शाम होकर यहाँ पे विकास के काम करेंगे। थैंक यू भाई।